तो गारंटी देते हैं कि साल भर मेरे पास कोई खाए तबीयत खराब होगा तो उसका इलाज हम कराएंगे मेरे खाना से अगर होगा, अगर खाना से तबीयत खराब हुआ तो मतलब फूड पॉइजनिंग का कोई चांस नहीं है। कांटा देखिए, कांटा जो सरसों डाले थे अरे चाची आप तो छोक दी इतना भयंकर की खांसी आने लग गया। जो भेज रहता है एकदम फ्रेश रहता है, फ्रेश रहता है। पंडित जी भी आ जाते हैं खाने के लिए, पंडित लोग भी आते हैं हमारे, ब्राह्मण सब खाते हैं। अभी तो टाइम नहीं हुआ ना, सब मैंने बैंक का थाना का आदमी सभी आते हैं, दवा दुकान जितना स्टाफ सब है। हम लोग यहाँ कोई मिक्स नहीं होता, बहुत सारा कढ़ी बनाने के लिए, ग्रेवी बढ़ाने के लिए सोडा का इस्तेमाल करता है, पपीता का करता है, कद्दू का करता है, हम लोग कुछ नहीं, नेचुरल एकदम। मछली के साथ साथ चाची जो है वो वेज खाना भी खिलाती हैं, तो वेज में सब्जी बन रहा है, देखिए आलू पालक और टमाटर सब्जी चाची। और यहाँ पे आपका मेन्यू है, प्रेम बाबू जी का ये होटल है जहाँ पे चावल 40 रुपये प्लेट मिलता है, चावल 25 रुपये हाफ, और मछली 30 रुपये में एक पीस मिल जाएगा, अंडा करी 15 रुपये में एक पीस मिल जाएगा, ऑमलेट पानी बोतल, यहाँ पे अंडा और मछली सिर्फ मिलता है। तो आपको आज स्पेशल मछली का हम वीडियो दिखाने आए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मछली मछली मछली, आज मछली दिखने वाला है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सबको, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? अभी बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि आप लोग इतना कमेंट कर रहे हैं, इतना मज़ा आ रहा है ना कि हम आपको क्या बताएं। अभी हम आपको दिखाने आ गए एक मछली का वीडियो, साथ में हमारे रमेश जी भी हैं। तो रमेश जी मज़ा आ रहा है सुबह सुबह? तो हम आज आपको दिखाने वाले हैं मछली का वीडियो क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट किए कि भाई मटन देख लिए, चिकन देख लिए, वेज देख लिए, आज मछली दिखाना है। बहुत सारे लोग क्योंकि कमेंट किए थे तो आप लोगों के लिए एक मछली का वीडियो आ गया है, तो इसको भी बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा जैसे कि सारे वीडियोज़ में आजकल आप दे रहे हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही मोटिवेटिंग फील हो रहा है क्योंकि ये सब मेरे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, रमेश जी पढ़ते हैं, बहुत मज़ा आता है, हम लोग सब दोस्त लोग बैठ के पढ़ते हैं, सब लोग को हम लोग हंस हंस के रिप्लाई करते हैं क्या। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या बन रहा है। बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई से बन रहा है तो मज़ा तो आने वाला है, पूरा वीडियो मज़ा आने वाला है, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और लास्ट में आपको हम टेस्ट करके, रमेश जी टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा लग रहा है यहाँ का मछली। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो भाई अपना जो मछली का जो करी है ये देख लीजिए, रात को ही बना के रख देते हैं, तो इसमें क्या क्या डालते हैं? मछली करी में टमाटर, सरसों, हाँ, मिक्स मसाला, वही सब जो जो मसाला पड़ता है, जो जो नॉर्मल मसाला पड़ता है वो, सरसों का मेन इन लोगों का बेस होता है। बड़ा साफ़ सफाई रखे हैं होटल में? हाँ, साफ़ सफाई रहता है शुरू से ही। अच्छा, साफ़ सफाई का मतलब कारण है कि एक साल में हर बार दुकान हटता है यहाँ पर ना। अच्छा अच्छा अच्छा, जतरा लगता है। अच्छा अच्छा, इसलिए तो हर साल आप नया दुकान फिर से बनाते हैं। बताइए कि कितने बजे से आप खिलाना स्टार्ट कर देते हैं? 9 बजे से, 9 बजे 4 बजे शाम तक, 9 बजे से लेकर के 4 बजे शाम तक मिल जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये रेहू मछली लाते हैं, कितना किलो मछली है आज दीदी? 3 किलो मछली आया है। ये कोयला डालना है। ये देखिए दोस्तों, जो अपना मछली है वो अभी धोया जा रहा है और धोने के बाद इसको फ्राई किया जाएगा। तो कितना एक पानी धोते हैं? ये देखिए अपना मछली है, और देखिए पीस चेकआउट करिए आप, पीस कितना बड़ा बड़ा होता है, बहुत ही बढ़िया पीस का साइज़ है। ये मुड़ी हो गया ना, ये अंडा करी हो गया, ये एक प्लेट खाना लगा रहे हैं आपको, ये 40 वाला है ना दीदी? तो जो रात का बच जाता है उसमें डाल देते हैं? फ्रिज में रहता है, फ्रिज में रहता है, फिर उसमें डाल देते हैं आप? अब जो 2-4-10 पीस बच जाता है। हाँ हाँ, और यहाँ पे चोखा हो गया, ये देख लीजिए एकदम फ्रेश ही चोखा बनाया गया है। कांटा कम हो मेरे सामने, ये देखिए भाई अपना तेल गर्म होने के बाद मछली जो है फ्राई किया जा रहा है अभी। इसमें क्या क्या उसमें डाल? हल्दी मिर्चा और नमक डाल दिए ना, तो हल्दी मिर्चा और नमक का मैरिनेशन इस मछली में, और उसके बाद बस इसको फ्राई कर देना है। बहुत ही सिंपल तरीके से बना रहे हैं, और जो करी है वो रात का रखा हुआ था फ्रिज में बोल रहे हैं, इसी में बस इसको डाल दिया जाता है। तो भाई बहुत देर इंतज़ार करने के बाद अपना जो ये वेज थाली आ गया, सबसे पहले तो हम वेज थाली मंगाए थे, ये 20 रुपये का है, और 20 रुपये में देखिए इतना सारा चावल मिलता है, पापड़ मिलता है, चटनी, चोखा, और ये सलाद हो गया, और साथ में सब्जी देते हैं, मिक्स सब्जी रहता है और दाल रहता है। और साथ में हम लोग लिए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए मछली, बहुत ही ज़्यादा डिमांड पर चल रहा था अभी मछली, मछली का थोड़ा ग्रेवी लेते हैं, ग्रेवी पहले से रेडी रहता है, और अभी ये जो फिश जो होता है ये सुबह सुबह लाते हैं ये लोग, फ्राई करके देते हैं गर्मा गर्म।
साथ में रमेश जी हैं, ये अपना खाना शुरू कर दिए हैं। तो चलिए फिर टेस्ट करते हैं और आप सबको टेस्ट बताते हैं। फिर लेते हैं अपना फर्स्ट बाइट। जो ग्रेवी है वो थोड़ा पतला लग रहा है मेरे को, बाकी जो इसका जो सरसों डाले थे ना उसका फ्लेवर तो आएगा ही आएगा एकदम, क्योंकि ये फ़िश है, फिश में सरसों का फ्लेवर रहता है। और चावल थोड़ा जो बाबा यूज़ किया जाता है सारे होटल में वही यूज़ किया गया। फिश क्योंकि हम लोग फ्रेश वाला लिए थे जो अभी आया था, तो ये फिश अच्छा लग रहा है। ये देखिए अपना फिश का ये पीस हो गया पेटी वाला, इसमें थोड़ा सा कांटा हम निकाल लेते हैं। देखिए फिश वैसे हम ज़्यादा खाते नहीं हैं क्योंकि बस एकमात्र कारण है वो है कांटा। कैसा लग रहा है रमेश, अच्छा लग रहा है खाना? तो आज हम ट्राई कर रहे हैं खुद से शूट करने का, क्योंकि रोज़ रोज़ रमेश जी को परेशान करना अच्छा नहीं लगता है, चाहे कोई भी फ्रेंड हो, ये लोग सोचेंगे साला रोज़ रोज़ पार्टी दे रहा है। तो कांटा निकाल लिया हम लोग सक्सेसफुली सारा इसमें से, अब इसको टेस्ट करते हैं। आइए थोड़ा सा लेते हैं करी और फिश और फिर टेस्ट करते हैं। वाह, थोड़ा सा खट्टा वाला टेस्ट आ रहा है, अब पता नहीं क्यों आ रहा है मेरे को नहीं पता है, लेकिन अच्छा लग रहा है। तो भाई ये एड्रेस जो है गांधीनगर, कहाँ के आना है आपको और मछली खाना है, अगर मछली के शौकीन है एक बार आ सकते हैं आप, टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि भैया बता रहे थे कि रात को जो बच जाता है वो भी डाल देते हैं, ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ निगेटिविटी बता रहे हैं, टेस्ट मेरे को अच्छा लग रहा है। घर में भी हम लोग आपका खाना खाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग घर में नहीं खाते हैं, लेकिन आप लोगों को सच्चाई बताना ज़रूरी है। तो आप लोग बोलेंगे रवि कुछ भी बना दे रहा है, सब कुछ इसको क्या अच्छा ही लग रहा है। थोड़ा सा सब्जी के साथ जो वेज थाली है ना भाई, नो डाउट बहुत ही अच्छा है। मस्त है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो आपको पता क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है बस। चलिए फिर वीडियो ख़त्म करते हैं, अपने फिश फ्राई को भी ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ कहीं नए जगह पे। थैंक यू सो मच। एड्रेस समझ लीजिए, ये कांके वाला रोड है और यहाँ पे है आपका चांदनी चौक। चांदनी चौक में जब आप कांके CIP की तरफ जाइएगा तो आपको रास्ते में एक ये रास्ता दिखेगा, ये देखिए बड़ा सा बिल्डिंग है, बड़ा सा बिल्डिंग के जस्ट बगल वाले रास्ते में आपको यहाँ पे दिख जाएगा छोटा सा झोपड़ी जहाँ पे बहुत ही बढ़िया मछली खिलाया जाता है। तो एक बार आइए, कमेंट करिए कि आपको यहाँ करके कैसा लगा। थैंक यू सो मच।